चलिए नाउ वी मूव ऑन, अब आगे बढ़ते, वी मूव ऑन टू 315 हमारा चल रहा था, 315 के अंदर की चीजें फटाफट कर लेते। रिस्क और उस रिस्क क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो हमने देख लिया। अगर मुझे पता लगाना है कि क्या गलत हो सकता है, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी एंटिटी की, उसके बिजनेस की, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की, उसकी अकाउंटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग। सर कैसे? देखिए पैरेलल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मुझे पता लगाना है, यहां से अगर मैं लद्दाख बाइक पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ क्या-क्या गलत हो सकता है, तो मुझे जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, गूगल मैप्स पे देखना पड़ेगा कितना लंबा रास्ता है, ठीक है, कितना लंबा रास्ता है, कितने घंटे लगेंगे, क्या रूट है, कौन से डेंजरस एरियाज है, कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पे रास्ता खराब है। कुछ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे जो पहले ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। रॉयल एनफील्ड लेके जाएंगे, उनके उनसे 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 बात करेंगे कि लंबे सफर में क्या गड़बड़ हो सकती है। हमारे रिश्तेदार है उसी रास्ते में आसपास, उनसे पूछेंगे क्या गड़बड़ हो सकती है। तो जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर आपको समझ में आता है क्या गड़बड़ हो सकती है। तो वी नीड टू, अगर पता लगाना है रिस्क क्या है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। एंटिटी और उसके एनवायरमेंट को समझना जरूरी है, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज लेना जरूरी है। अब उसमें पॉइंट्स दिए, याद रखने के लिए हम लोगों ने शॉर्टकट बनाया है, याद रखने के लिए हम लोगों ने शॉर्टकट बनाया, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। पहले इकोनॉमी को, ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमी को समझिए, क्या बातें समझनी चाहिए, पहले इकोनॉमी को समझिए, ठीक है। इकोनॉमी कैसे चल रही है, बूम पे चल रही है इकोनॉमी, रिसेशन पे चल रही है इकोनॉमी, के नीचे इंडस्ट्री को समझिए। ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के नीचे रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, कितने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस है उनके, वो समझिए। फिर कंपनी में आइए, कंपनी के ओनर्स कौन है वो समझिए, कंपनी के ऊपर ओनर्स बैठे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लोग लेते हैं, कैसे लेते हैं, ठीक है। कंपनी का ओनरशिप और गवर्नेंस समझा, उसके नीचे फिर इन लोगों ने फाइनेंसिंग कहां से कराई है, डेट से फाइनेंस ज्यादा है, इक्विटी से फाइनेंसिंग ज्यादा है, फाइनेंसिंग इन्होंने कहाँ से कराई है, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। इन्होंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट किया, टेलीकॉम में इन्वेस्ट किया है, रिटेल में इन्वेस्ट किया है, कहाँ पर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वेयर दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी, पैसा इन लोगों ने इन्वेस्ट कहाँ पे किया है, करेक्ट। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में उसके नीचे आइए, ऑपरेशंस कैसे है, ऑटोमेटेड है, मैनुअल है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, ऑपरेशन समझिए। ऑपरेशन की अकाउंटिंग करने के लिए एफआरएफ कौन सा है, एएस बेस्ड है, इंड एएस बेस्ड है, आईएफआरएस बेस्ड है, एफआरएफ समझिए, एप्लीकेबल एफआरएफ। इनका सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसा है, अग्रेसिव है, कॉन्जर्वेटिव है, अग्रेसिव है कि कॉन्जर्वेटिव है वो समझिए। प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाना चाहते हैं, कम करके दिखाना चाहते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ये एफआरएफ के हिसाब से लगाने के बाद परफॉर्मेंस कैसा है, उसके नीचे क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे पहले इकोनॉमी को समझो, उससे छोटा आपके इंडस्ट्री को समझो, इंडस्ट्री छोटा उसके रेगुलेटरी अथॉरिटी को समझो, फिर ओनरशिप और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझो, फिर फाइनेंसिंग और उसके स्ट्रक्चर को समझो, फिर इन्वेस्टमेंट का क्या उसको समझो, इन्वेस्टमेंट का नेचर ऑफ ऑपरेशंस कैसे वो समझो, अकाउंटिंग के लिए एफआरएफ कौन सा है वो समझो, एफआरएफ में सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी वो समझो, ठीक है, उसको लाकर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा नजर आ रहा है वो समझो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही कि नहीं वो समझो। सीक्वेंस में हिसाब फटाफट सारे पॉइंट्स याद जाएंगे। इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग, वी नीड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स, नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। क्यों इतना समझना जरूरी है, क्यों इतना समझना जरूरी है, वहां पे शॉर्टकट दिया है, मेन एरियाज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना जरूरी है क्योंकि ये हमको मेन एरियाज में हेल्प करेगा, एम मटेरियलिटी सेट करने में हेल्प करेगा। जब बिजनेस को समझेंगे अच्छे से तभी तो समझ पाएंगे कहां पे मटेरियलिटी कैसे रखनी चाहिए, मटेरियलिटी तय करने में हमको हेल्प करेगा, ठीक है। देन ए स्टैंड फॉर
अकाउंटिंग पॉलिसीज, बिजनेस को समझेंगे तभी समझ पाएंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी बराबर है क्या? कैपिटलाइजेशन की पॉलिसी बराबर है क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी बराबर है क्या? ठीक है, जब बिजनेस को समझेंगे तभी तो रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जब बिजनेस को समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कि हमको और एविडेंस इकट्ठा करना है और कैसे इकट्ठा करना है। ए स्टैंड फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जब हमको समझेगा कौन से रेशियोज ग्राफ्स है, किसमें क्या रिलेशनशिप है, तभी हम लोग रेशियोज ग्राफ रेशियोज परसेंटेज निकाल पाएंगे, पिछले साल से कंपेयर कर पाएंगे, दूसरे लोगों से कंपेयर कर पाएंगे। और स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल ध्यान कहाँ देना चाहिए हम लोगों ने, कौन से ट्रांजेक्शन्स, कौन से बैलेंसेस, कौन सी पार्टीज, कौन से डिस्क्लोजर्स पे ध्यान देना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज फॉर सो इंपॉर्टेंट, मेन एरियाज में काम आएगा। मटेरिटी में काम आएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि वो समझ में काम आएगा, रिस्क में काम आएगा, एविडेंस बराबर है कि नहीं उसके लिए काम आएगा, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए काम आएगा, और आखिरी में आपके स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन के लिए काम आएगा। देन कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सुनिए, आरएमएम दो चीजों को ऐड करते हैं हम लोग, जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो आरएमएम बनता है, ठीक है, कौन सी है ये दो चीजें, विच आर दीज टू थिंग्स, आपका इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिलाते हैं तो हमको आरएमएम मिलता है। अब आरएमएम निकालने के दो तरीके, सेपरेट असेसमेंट, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी कंपनीज है जहां पे पूरा पूरा वो लोग खुद पूरा खुद रिस्क असेसमेंट करते हैं, हर रिस्क के लिए कौन सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो पता लगाते हैं, बड़ी कंपनीज में सब डिटेल में जहां पे दिया हुआ है वहां पे आप सेपरेट असेसमेंट कर सकते हैं। पहले इनहेरेंट रिस्क निकालो, फिर कंट्रोल रिस्क निकालो, फिर दोनों को कंबाइन कर डालो। इनहेरेंट रिस्क निकाला, कंट्रोल रिस्क निकाला, और फिर दोनों को कंबाइन कर डाला, वहां पे ऐसा आप कर सकते हैं, देयर यू कैन डू दिस, ठीक है, उसको बोलते हैं सेपरेट असेसमेंट। छोटी कंपनियों में इतना तामझाम नहीं, कहां उनको परेशान कर रहे हो, डायरेक्ट कंबाइंड असेसमेंट करें, डायरेक्ट आरएमएम निकालिए, ठीक है, डायरेक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही निकाल लीजिए। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन सिचुएशन को देखकर हम लोग तय कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। बड़ी कंपनी, स्मॉल कंपनीज, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, वही दिया है। रिस्क या तो परसेंटेज में निकल सकती है, 40% रिस्क, 50, 60, 70% रिस्क ऐसे निकल सकती है, या फिर इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स बोलते हैं, या फिर हाई मीडियम लो इसमें भी निकल सकती है, दोनों भी तरीके अलाउड होते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बताया सरकमस्टांसेस कैसे है, कितनी बड़ी एंटिटी है, क्या सिचुएशन है, हमारे को क्या सूटेबल है, उसके हिसाब से हम तय कर सकते हैं। सेपरेट असेस करना, फिर आरएमएम निकालना, या फिर डायरेक्ट आरएमएम निकालना, दोनों ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क। हम लोगों ने रिस्क मतलब क्या है समझा, हमने समझा जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है, जानकारी क्या जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क। जानकारी इकट्ठा करने के बाद सोचो, मैंने आपको समझाया था कोर ऑडिट प्रोसेस में, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, उसको बोलते हैं फॉर रिस्क, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, पूरी आप जानकारी, ये ऐसे हमको समझाता है जानकारी कैसे इकट्ठा करना और क्या जानकारी इकट्ठा करना, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। जानकारी इकट्ठा करने आप सोचो, आइडेंटिफाई असेसिंग रिस्क, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है और किस तरह की गलती हो सकती है। दो लेवल पे रिस्क ये हम डिस्कस करके आए, पहले कोर ऑडिट प्रोसेस में, पहले ही सेशन में हमने किया था। रिस्क दो लेवल पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। इट इज एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड इज इट एट असर्शन लेवल, जब हमको पता है कि कहीं पर भी गलती हो सकती है, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हम लोग बोलते हैं। पता है कि पर्टिकुलर आइटम के पर्टिकुलर पार्ट में गलती हो सकती है, दैट इज असर्शन लेवल, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, चार बातें करनी चाहिए। नंबर वन, जैसे हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हमने सोचना चाहिए व्हाट कैन गो रॉन्ग,
इकोनॉमी के बारे में जानकारी मिली, व्हाट कैन गो रॉन्ग, इंडस्ट्री के बारे में पता चला, व्हाट कैन गो रॉन्ग, हर बार पूछो व्हाट कैन गो रॉन्ग, नए रेगुलेशंस आए, व्हाट कैन गो रॉन्ग, आपने हमेशा कंटिन्यूअसली पूछना चाहिए कौन से एरिया में गलती हो सकती है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, आपने देखना चाहिए कौन से असर्शंस में गलती हो सकती है, विच असर्शंस कैन गेट अफेक्टेड, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेलेवेंट कंट्रोल्स क्या है। ओके, फटाफट, तो फ्री इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सोचिए व्हाट कैन गो रॉन्ग, फिर सोचिए कौन से असर्शन पे इंपैक्ट कर हो सकता है, और वो असर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रेलेवेंट कंट्रोल्स है क्या, फिर सोचिए इज इट अफेक्टिंग मेनी असर्शंस, क्या बहुत सारे असर्शंस को अफेक्ट कर रहा है क्या, इफ इट इज अफेक्टिंग मेनी असर्शंस, परवेसिव है, बहुत जगह असर पड़ रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क बन सकता है। आखिरी में ये भी सोचिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कितनी है, गलती होने के चांसेस कितने, और मैग्नीट्यूड, अगर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा और अमाउंट वाइज भी बहुत बड़ा होगा तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क बन सकता है। आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में सोचिए व्हाट कैन गो रॉन्ग, कहां पे गलती हो सकती है, देखिए कौन से असर्शन पे इंपैक्ट है, असर्शन लेवल रिस्क आपको मिलेगी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल है क्या, स्टॉक की चोरी है उसके लिए बहुत अच्छा है आपका फिजिकल स्टॉक काउंटिंग, वो आपके लिए रेलेवेंट कंट्रोल है, कोई रेलेवेंट कंट्रोल है क्या, ठीक है, रेलेवेंट कंट्रोल आप सोचिए, फिर उसके बाद में, ठीक है, क्या ये बहुत सारे फाइनेंशियल आइटम्स पे असर पड़ रहा है क्या, अगर बहुत सारे असर्शन पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क बन सकता है, और आखिरी में सोचिए गलती होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड, जो प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क बन सकता है। असर्शन का मतलब हम पहले ही जान चुके, ठीक है, असर्शन का मतलब हम लोग पहले ही जान चुके, आपको मैं थोड़ा सा अगर याद दिला दूं, जितनी भी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है उसको हम लोग असर्शन बोलते हैं, जो साफ साफ लिखा हुआ है उसको हम लोग एक्सप्लिसिट असर्शन बोलते हैं, जो लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, जो लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है उसको हम लोग इम्प्लिसिट असर्शन बोलते हैं। इम्प्लिसिट असर्शंस को डिफाइन किया गया है, तीन तरह का फाइनेंशियल डेटा है इसके लिए, तीन तीन तरह का फाइनेंशियल डेटा है, तो तीन तरह के असर्शन हमारे पास है, ये हम लोग देख चुके हैं। पेज नंबर 225 और पीडीएफ का पेज नंबर 231 होगा, 231 ही है, उसके ऊपर आप आ जाइए। नाउ नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट रिस्क, जो बड़ी रिस्क होती है, जो बड़ी रिस्क होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क, दैट इज सिग्निफिकेंट रिस्क, जहां जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ज्यादा है, जिसके चांसेस भी ज्यादा है, उसको सिग्निफिकेंट रिस्क बोला जाता है। नाउ दैट इज सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है, अब यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपको बड़ी बड़ी रिस्क मिलती है, सिग्निफिकेंट रिस्क, आपने उसके लिए स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब ही स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर होनी चाहिए, जैसे आपको बहुत बड़ी रिस्क मिली, डमी एम्प्लॉयज की रिस्क है कंपनी में, ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, बहुत ज्यादा चांसेस है और बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व रहेगा, अगर ऐसा है तो आपने एक सेपरेट ऑडिट प्रोसीजर बनाई कि हमारे टीम का कोई ना कोई बंदा हर ब्रांच पे जाएगा और पूरे ब्रांच में जितना भी स्टाफ है उससे फेस टू फेस मिलेगा, उसका आईडी कार्ड देखेगा, फोटो आईडी कार्ड देखेगा, फोटो आईडी कार्ड उसका देखेगा, उसका एड्रेस प्रूफ देखेगा पूरा हर, तो जैसी एक बड़ी रिस्क मिली उसके लिए स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर को बनाया गया, ठीक है, बहुत आसान। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब ऐसी रिस्क, बहुत बड़ी रिस्क, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जिसको चेक करने के लिए हमको स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर को डिफाइन करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट रिस्क निकालते वक्त, रिस्क में बड़ी रिस्क है वो, इनरेंट इंटरनल कंट्रोल्स का आप इफेक्ट छोड़ दो, जैसे इनरेंट रिस्क निकालते वक्त आप इंटरनल कंट्रोल्स का इफेक्ट नहीं लेते, वैसे सिग्निफिकेंट रिस्क निकालते वक्त भी इंटरनल कंट्रोल्स का इफेक्ट ना लो, ताकि रिस्क का रियल नेचर आपको पता चले, रियल बड़ी रिस्क कौन सी वो आपको पता चले, बहुत आसान है। तो जो बड़ी रिस्क है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, इंटरनल कंट्रोल का मत लो, कहां कहां पे, विच फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि सिग्निफिकेंट रिस्क है, सीएफओ सीएसआर,
सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अगर सीएसआर करेगा, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अगर सीएसआर करेगा साहब, अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएसआर करेगा तो गलती होने के तो पूरे चांसेस है। सी स्टैंड फॉर चेंजेस साहब, जहां जहां चेंजेस है ना वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस है, ठीक है। हम लोग भी लॉकडाउन पे मैं अकेला पूरा टेक्निकल काम भी देख रहा हूँ, ऑफिस बंद है लेकिन मैं टेक्निकल काम देख रहा हूँ, तो बीचों बीच में एक हाथ दो एरर आते रहते हैं। जब भी चेंजेस होते हैं, वेन एवर चेंजेस हैपन, ठीक है, लॉ बदल गया, सिस्टम बदल गया, लोग बदल गए, बिजनेस बदल गया, जब भी चेंजेस होते हैं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, देर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। एफ स्टैंड फॉर फ्रॉड, लोग अगर इंटेंशनली इंटेंशनली गलत चीजें करना चाहते हैं, इंटेंशन अगर है, अरे फिर तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं वो, ठीक है, गड़बड़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। छोटा मोटा काम तो करेंगे नहीं, बड़ा काम करेंगे। ओ स्टैंड फॉर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मली जो आउटसाइड ऐसे ट्रांजेक्शन जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होते उसको आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर 90% सेल पे चीजों को बेच रहे हैं, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। प्रॉपर्टी को फ्री में दे दे रहे हैं, बिना किसी रेंट के आप दे दे रहे यूज करने के लिए, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऐसे ट्रांजेक्शन जो बार बार नहीं होते, दैट इज आउटसाइड नॉर्मल, जनरली नहीं होते, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सी स्टैंड फॉर चेंजेस, एफ स्टैंड फॉर फ्रॉड, ओ स्टैंड फॉर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सी एस आर, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कॉम्प्लेक्सिटी है आउटसाइड, अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री का कॉस्ट कैलकुलेशन है, बोनस कैलकुलेशन है, दैट इज सिग्निफिकेंट रिस्क। एज फॉर सब्जेक्टिविटी, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, आपके आर्टिस्टिक आइटम्स है, पेंडिंग्स है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, गुडविल वैल्यूएशन चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आर स्टैंड फॉर रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, आर स्टैंड फॉर रिलेटेड पार्टीज। अगर सीएफओ सीएसआर वाले फैक्टर्स या सरकमस्टांसेस दिखे तो बहुत ज्यादा चांसेस है दैट इट विल बिकम अ सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिस्क बहुत केयरफुल लेना चाहिए, इस रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए कौन से कंट्रोल्स है उसको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंट्रोल्स अच्छे चलेंगे तो हमको बहुत हमारी चेकिंग कम हो जाएगी कि चलो ठीक है सिग्निफिकेंट रिस्क थी लेकिन कंट्रोल्स अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट रिस्क निकाल दे, अज्यूम कर लो कंट्रोल्स नहीं है, ये सोच के चलो, पता चलने के बाद रेलेवेंट कंट्रोल्स कौन से पता लगाओ, ठीक है, और उसको नोट करके रखो कि ये रेलेवेंट कंट्रोल्स है। नाउ तो हम लोगों ने चीजें पता की, अभी इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल वैसे एकदम सिंपल डेफिनेशन बोलूं, जो भी सिस्टम बना के रखे ताकि काम बराबर चलता रहे उसको इंटरनल कंट्रोल्स बोलते हैं। लेकिन टेक्निकल, टेक्निकल, ठीक है, थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन, थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन अगर हमको देखनी है, एज पर ऐसे 315, ऐसे 315 के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स मतलब वो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स, वो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उनसे छोटे मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उनसे छोटे मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट इन लोगों ने बनाई है, जो सिस्टम प्रोसीजर इन लोगों ने बनाया है ताकि इंश्योर कर सके कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेट्स, एसेट्स आर सेफगार्डेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेट्स आर सेफगार्डेड, ठीक है, एसेट्स को सेफगार्ड किया गया हो। विच इंश्योर्स दैट एसेट्स आर सेफगार्डेड, ठीक है, कंपनी के वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो इंश्योर करते हैं कि कंपनी के सभी एसेट सेफ और सिक्योर है, अनऑथराइज लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको चुरा नहीं कर सकते, पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, दे आर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहे रिकॉर्ड्स के, जितने रिकॉर्ड्स के, ठीक है, रिकॉर्डेड एसेट्स और एक्चुअल एसेट्स दोनों कंपेयर करते रहे, कोई डिफरेंस है तो पता लगाते रहे उसको, वो डिफरेंस को ठीक करते रहे, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एसेट्स को यूज करके ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन सिस्टमेटिकली हो, ऑथराइज्ड हो, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से एफिशिएंट और इफेक्टिव रहे, इसके लिए जो आपने सिस्टम बनाया वो भी उसके लिए आपने जो प्रोसीजर्स बनाई है वो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। ट्रांजैक्शन होते वक्त लॉ कंप्लायंस, लॉ रूल्स रेगुलेशन का पूरा कंप्लायंस हो, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। और इन सब की अकाउंटिंग, सारी सभी ट्रांजैक्शंस, कोई भी ट्रांजैक्शन छूटे नहीं, कंप्लीट पूरी अकाउंटिंग हो, एक्यूरेटली कंप्लीट एक्यूरेट अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग हो, ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड, एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एज पर प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज, करेक्ट,
दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सुन लेंगे, बहुत आसान। कंपनी के अंदर TCWG मैनेजमेंट ने इन्होंने बोलकर ऐसे सिस्टम्स जो क्रिएट किए हैं टू एंश्योर कंपनी के एसेट सेफगार्डेड है, रेगुलर पीरियोडिक काउंटिंग हो रही है, सेफ है, ठीक है। दैट इज आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर एसेट्स को यूज करके ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस ऑथराइज्ड हो, ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑथराइज्ड हो और एफिशिएंट इफेक्टिव चले, दैट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लॉ का पूरा कंप्लायंस हो, लॉ का कंप्लायंस हो, दैट इज इंटरनल, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग बराबर हो कंपनी के, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो इन चीजों का ध्यान रखते हो, ठीक है, जो इनिशियली एसेट्स का ध्यान रखते हो, एसेट्स से होने वाले ऑपरेशंस का ध्यान रखते हो, ऑपरेशंस करते वक्त लॉ कंप्लायंस का ध्यान रखते हो, और आखिरी में उनकी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन चार चीजों का ध्यान रखने वाली जो चीजें होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है, यही ऑब्जेक्टिव है, यही पर्पज है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। रिस्क असेसमेंट, ठीक है, रिस्क असेसमेंट। अगर आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, अगर आपको जानकारी इकट्ठा करनी है रेलेवेंट कंट्रोल्स की, तो आप जानकारी कैसे इकट्ठा करोगे? बहुत आसान, सिंपल सिंपल तरीके दिए। सबसे आसान, पूछताछ करना, इंक्वायरी, और थोड़ी मेहनत करने की इच्छा है, गो एंड ऑब्जर्व कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। यहां पे बोला है कि अगर आपको इंटरनल कंट्रोल्स को समझना है तो तरीके क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के तरीके क्या है, पहले पूछताछ, लोगों से पूछताछ करो, क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या सिस्टम्स है, मैनुअल्स में क्या लिखा है, तुम कैसे काम करते हो, इंक्वायरी, और मेहनत करनी, ऑब्जर्व, देखो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, और मेहनत करनी है, ठीक है, तो आप इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़िए, और मेहनत करनी है, ट्रेस ट्रांजेक्शन, सिस्टम को समझना है ना, ट्रेस ट्रांजेक्शन की परचेस था, परचेस की शुरुआत, परचेस रिक्वेशन नोट किसने बनाया, कैसे बनाया, उसको अप्रूव कैसे किया, कोटेशंस कैसे आए, परचेस ऑर्डर कैसे बना, परचेस ऑर्डर कैसे हुआ, गुड्स कैसे आए, फिर परचेस इनवॉइस कैसे आया, पेमेंट, ट्रेस ट्रांजैक्शन शुरुआत से लेकर आखिर तक, क्या जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग करने लगी। तो पहले इंक्वायरी और मेहनत करनी, ऑब्जर्वेशन और मेहनत करनी, इंस्पेक्शन और मेहनत करनी है, तो ट्रांजैक्शन को ट्रेस करो थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। 315 खत्म हो गया साहब, बहुत सारे ट्रू फॉल्स, वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है ये क्वेश्चन बैंक में, वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है आपका ट्रू फॉल्स का, वो ट्रू फॉल्स भी पूरे दिए हुए यहां पे। नाउ ऐसे 320, ऐसे 320 इज फॉर मटेरियलिटी। तो पहला शॉर्ट नोट है कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी पे ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिटी, ठीक है, मटेरिटी को डिफाइन किया है, करेक्ट। मटेरिटी ये वर्ड बहुत क्लोजली कनेक्टेड है मिस स्टेटमेंट से, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया है। कोई भी मिस स्टेटमेंट को मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कोई भी मिस स्टेटमेंट को मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोला जाता है, चीजों को मटेरियल बोला जाता है जब उसके वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट, इफ अफेक्ट्स इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी मिस स्टेटमेंट को मटेरियल बोला जाता है अगर उसके होने से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजंस पे असर पड़ता है, तो उसको मटेरियलिटी बोला जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज मटेरियलिटी। क्या मटेरियलिटी, मटेरियलिटी लेवल कितना होगा, बहुत सारे सरकमस्टांस पे डिपेंड करता है, साइज और नेचर ऑफ द वेदर, वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज मटेरियल और नॉट, सबसे पहले डिपेंड करता है अमाउंट पे, ठीक है। अगर अमाउंट बहुत बड़ा है, अमाउंट बहुत बड़ा है, इफ इट इज अमाउंट बहुत बड़ा है तो मटेरियल होता है। लॉ का नॉन कंप्लायंस है नेचर, कोई चीज मटेरियल है कि नहीं किस पे डिपेंड करती, तो वहां पे लिखा हुआ है साइज पे, अमाउंट बहुत बड़ा है तो मटेरियल हो सकता है, नेचर अगर वो लॉ का नॉन कंप्लायंस है मटेरियल हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्रॉड है तो फिर मटेरियल हो सकता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स, अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग नीड्स है, ठीक है। फार्मा वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि कंपनी का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। एफएमसीजी वाले, ठीक है, बाबा रामदेव,
पतंजलि, हिंदुस्तान लीवर, इनका मेजर ध्यान एडवर्टीजमेंट पे है। इनका मेजर ध्यान एडवर्टीजमेंट पे, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट तो इनका ध्यान एडवर्टीजमेंट पे है। इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स पे डिपेंड करता है, यूजर्स क्या चाहते हैं, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जैसे नया नया सीएसआर एक्सपेंडिचर है, सबका ध्यान सीएसआर पे, तो उसका डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट बन जाता है। नया नया डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसका डिस्क्लोजर आया था, नोट्स टू अकाउंट्स, उसका डिस्क्लोजर आया था। ठीक है, डिस्क्लोजर आया था नोट्स टू अकाउंट्स में, तो सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, बहुत आसान। तो अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है मटेरियलिटी पे, पहले मटेरियलिटी को डिफाइन करिए, कोई भी ऐसी चीज जिसके बदल जाने से यूजर, एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन बदल जाए तो मटेरियल है। डिपेंड करता है कितना बड़ा अमाउंट है, उसका नेचर क्या है, और लोगों की नीड क्या है, लोग क्या दे, किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और सराउंडिंग सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है। व्हेन जब हम बोलते लोग, तो लोगों का पीपल ग्रुप, ठीक है, ग्रुप जो ग्रुप है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल का, जो ग्रुप है, जो इकोनॉमिक डिसीजन, पूरे ग्रुप को हम लेकर चलते हैं। इंडिविजुअल बंदा क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, उसको ध्यान दें। एज अ ग्रुप लोग, मेजोरिटी, एज अ ग्रुप मेजोरिटी लोग क्या चाहते हैं, कौन सी चीज का इंपॉर्टेंस है, उसको ध्यान में रख के मटेरिटी को तय किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में अगर कुछ दिया हुआ है, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में समझाया है कि मटेरिटी को कैसे कंप्यूट करना है, तो साहब बहुत ही बढ़िया है, कैसे कंप्यूट करना है तो वही मटेरिटी आप ले लीजिए, टेक दैट एज अ मटेरियलिटी। ठीक है, अजम्पशंस अबाउट द यूजर्स, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि बंदे को बिजनेस का पूरा नॉलेज है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाता है उसका पूरा नॉलेज है, अज्यूम कर लेते हैं कि उसको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जो एस्टिमेट्स होते हैं उसमें गड़बड़ होने के, मतलब उसमें अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती है, जैसा बोला है वैसा जरूरी हो नहीं हो, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ करके उसके बेस पे इकोनॉमिक डिसीजन लेता है वो यूजर्स। जैसे मैं प्रोफेसर हूं, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, मैं क्या सोचता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं करता है, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के पैसे लगा रहा है, ऐसे लोगों को ध्यान में रखा जाता है। लेट्स सी गाइस, फटाफट 320 मटेरिटी, पहले आप डेफिनेशन बताइए मटेरिटी मतलब क्या, फिर आप बताइए सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है मटेरियल है कि नहीं, नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल है कि नहीं, करेक्ट, और यूजर्स के क्या इंफॉर्मेशन नीड है उस पर, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जब हम यूजर्स बोलते हैं तो कॉमन कॉमन नीड ऑफ यूजर ग्रुप हम लोग सोचते हैं, इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचते हम लोग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ अगर बातें लिखिए कि ठीक है 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू और 10 लाख विच एवर इज हायर, ऐसा लिखा है, बहुत बढ़िया। अगर वहां पे कुछ मटेरिटी के बारे में लिखा है तो वो डेफिनेटली हमने पढ़ना चाहिए, और हम अज्यूम करते हैं उसको बिजनेस का नॉलेज है, उसको अकाउंटिंग का नॉलेज है, उसको पता है कि एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं, अनसर्टेनिटीज होती है, और उस पर इकोनॉमिक डिसीजन, और एक बार मटेरिटी तय करते पूरे इसमें हम लोग उसको यूज करते ही रहते हैं। बेंचमार्क, मटेरिटी निकालना है तो कैसे निकालते, एक बेंचमार्क होता है, एक बेस होता है, उस पर परसेंटेज लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट का 5%, तो बेंचमार्क बेस इज प्रॉफिट, बेंचमार्क बेस इज प्रॉफिट, और उसके ऊपर हम लोगों ने परसेंटेज लगाया, उसके ऊपर हम लोगों ने परसेंटेज लगाया। ठीक है, फिर हमको मटेरिटी को मटेरिटी निकलती है। नाउ बेंचमार्क कैसे तय करना, किसी भी ऑडिट पे हम लोग जाते हैं, किसी भी ऑडिट पे हम लोग जाते हैं, किसी भी ऑडिट पे हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो हमको मटेरिटी तय करनी है, हम लोगों को मटेरियलिटी को तय करना है, मटेरियलिटी को हम लोगों को तय करना है, मटेरिटी हमको तय करनी है, तो हमको एक बेस सिलेक्ट करना पड़ता है, उस पर परसेंटेज अप्लाई करना पड़ता है, वी हैव टू सिलेक्ट अ बेस, हमको बेस सिलेक्ट करना है, और बेस सिलेक्ट करने के बाद, बेस सिलेक्ट करने के बाद उस पर हमको परसेंटेज लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ये बेंचमार्क कैसे तय करना, कैसे तय करें कि बेंचमार्क में क्या होना चाहिए,
बेंचमार्क कैसे तय करना, उसके फैक्टर्स दिए हुए, उसका शॉर्टकट दिया हुआ है, एप्पल लव। देखिए यहां पे एप्पल लव करके उसका शॉर्टकट दिया है बेंचमार्क का। नाउ लेट्स सी, बेंचमार्क डिपेंड करता है, बेंचमार्क डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन अटेंशन, अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो यूजर्स है, जो यूजर्स है उसका इंपैक्ट, जो यूजर्स है उनका अटेंशन किस चीज पे है। अगर देखिए, अगर प्राइवेट बिजनेस हाउसेस है तो उनका इंपैक्ट प्रॉफिट पे है, तो आप बेस में प्रॉफिट को ले लो। अगर लोगों का अटेंड, अगर प्राइवेट बिजनेस हाउस है तो उनका पूरा अटेंशन प्रॉफिट पे होगा, तो जो बेंचमार्क के बेस है उसको, उसमें प्रॉफिट ले लो। प्रॉफिट का परसेंटेज इक्वल टू मटेरिटी निकाल लेना। अगर गवर्नमेंट है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देना चाहते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा वो लोग सर्विसेज देना चाहते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा अगर सर्विसेज देना चाहते हैं तो उनका पूरा फोकस रेवेन्यू पे है, तो बेंचमार्क में आप रेवेन्यू को ले लीजिए। अगर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ना प्रॉफिट से फर्क पड़ता है ना टर्नओवर से, उनको तो अपने पूरे एसेट्स अच्छे से मैनेज करके काम को चलाना है, तो आप टोटल एसेट को बेस ले लीजिए। तो आपका बेंचमार्क डिपेंड करता है अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर के लोग है, प्राइवेट सेक्टर के अगर लोग है उनका फोकस अलग चीज पे है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग है, ठीक है, उनका जो फोकस है वो अलग चीज पे है, उसके हिसाब से बेस बदल जाएगा। गवर्नमेंट लोग के हिसाब से बेस बदल जाएगा, गवर्नमेंट एंटिटी तो बेस बदल जाएगा, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो बेस बदल जाएगा। अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन उस तरह के लोगों का अटेंशन एक्सपेक्टेशन, उसके हिसाब से बेंचमार्क बदल जाएगा। एल स्टैंड एप्पल लव, एल स्टैंड फॉर लाइफ साइकिल। इनिशियल फेज में लोग प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, रेवेन्यू को इंपॉर्टेंस देते, तो उसको बेस बनाओ। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उबर, ओला, इनिशियल, सबको अपने रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू पे, प्रॉफिट नहीं, टोटल रेवेन्यू सेल्स पे इंपैक्ट है, तो उसको बेस बना लो, ठीक है। रिलायंस को 42 साल हो गए प्रॉफिट, अब नहीं तो कब। इनिशियल लेवल पे आप टोटल रेवेन्यू को बेस बना सकते हैं, आगे जाके आप नेट प्रॉफिट को बेस बना सकते हो, प्रॉफिट कितना है उसको बेस बना सकते हो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, जब बूम पे चल रहे हैं तो प्रॉफिट बेस है, जब गिर रहे हैं, रिसेशन है इकोनॉमी में, तो सर्वाइव करने के लिए कैश फ्लो चाहिए होता है, कैश फ्लो को बेस बना सकते हैं। ओनरशिप पे डिपेंड करता है, ओनरशिप पे डिपेंड करता है, ओनरशिप पे डिपेंड करता है, ओनर में कौन बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग, ओनर्स में कौन बैठा हुआ है, ठीक है, ओनर्स पे कौन बैठा है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर ओनर के अंदर, ठीक है, सिर्फ दो भाई है, तो उनसे जाके पूछ लो यार आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, उस पर डिपेंड करता है। पब्लिक एट लार्ज बैठा हुआ है, पब्लिक एट लार्ज, स्कैटर्ड ओनरशिप है, स्कैटर्ड ओनरशिप है, भाई तुमको किस में इंटरेस्ट है, डिविडेंड में, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड को फोकस में ले लो, ओनरशिप पे डिपेंड करता है। एप्पल लो, ओनरशिप, ओनरशिप के साथ साथ में फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग बहुत है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, डेट फाइनेंसिंग वो सेफ्टी के लिए देखते हैं, नेट एसेट्स है ना कंपनी के पास बराबर, उसको बेस बना सकते हो, ठीक है। वी स्टैंड फॉर वोलेटाइल, जो भी बेस लो बहुत ज्यादा वोलेटाइल मत लो, अगर बेस बहुत कम ज्यादा होगा तो मटेरिटी लेवल, बेस का परसेंटेज मटेरिटी होता है, एक बेस परसेंटेज को अप्लाई करो मटेरिटी मिलता है, अगर बेस बहुत कम ज्यादा होगा तो मटेरिटी बहुत ज्यादा कम ज्यादा होगी, टीम भी कंफ्यूज होगी, अकाउंट्स टीम भी, ऑडिट टीम भी कंफ्यूज होगी, अकाउंट्स टीम भी कंफ्यूज होगी, वोलेटाइल मत लो। जो भी लेना है इट शुड बी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी आप लोगे ना साहब, इट शुड बी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एप्पल लव, ए स्टैंड फॉर, ठीक है, अटेंशन, बेस डिपेंड करता है किस पे, अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लोगों का अटेंशन किस पे, ठीक है। एप्पल लव, एल स्टैंड फॉर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, ओ स्टैंड फॉर ओनरशिप और फाइनेंसिंग पे डिपेंड करता है, वी स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी, और ई, जो भी लो इट शुड बी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट इज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
ठीक है, टर्नओवर इज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेट एसेट इज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मटेरिटी रिवाइज हो सकती है? कैन मटेरिटी गेट रिवाइज? ऑफ कोर्स मटेरिटी कैन गेट रिवाइज। ठीक है, वहां पे सरकमस्टेंसेस बदल गए साहब, रिसेशन वर्सेस बूम। रिसेशन में मैंने बोला कि जब ग्रो कर रहे हैं तो बूम अगर है इकोनॉमी में तो प्रॉफिट को बेस लेकर मटेरिटी निकालते हैं, लेकिन अगर रिसेशन में आ गए तो कैश फ्लो को बेस निकालकर मटेरिटी निकालनी पड़ेगी। यस, अगर कंडीशंस चेंज हो जाएगी, जब ऑडिट हम जब हमने शुरू किया था जब मटेरिटी निकाली, कंडीशन चेंज हो गई, रिसेशन आ गया है तो मटेरिटी निकालने का तरीका बदल जाएगा, मटेरिटी विल चेंज। ठीक है, तरीका बदल जाएगा साहब, मटेरिटी बदल जाएगी। ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो हमको पहले पता नहीं थी। ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन जो हमको पहले पता नहीं थी, एमेलगमेशन के बारे में हमको पहले नहीं पता था, एमेलगमेशन के बारे में पता चला। करेक्ट, एमेलगमेशन, तो एमेलगमेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब सारी की सारी बहुत मटेरियल हो जाती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं आप। आपको पता है कि एरिया लेवल मटेरिटी लोअर हो सकती है, चाहे तो कोई एरिया सेंसिटिव अगर है तो लो, तो एमेलगमेशन सेंसिटिव है, लोगों का उस पर ध्यान है, उसका नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोजर जाता है, तो पूरी मटेरिटी 50 लाख है, लेकिन एमेलगमेशन के लिए हमने सपोज 20 लाख कर दिए, क्योंकि वो एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन, हम लोग अभी तक के सैलरी को लो रिस्क एरिया समझ रहे थे, हमको समझ में आया तो हाई रिस्क एरिया है, उस एरिया की भी मटेरिटी को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। यस, रिविजन ऑफ मटेरिटी कैन हैपन, चेंज इन सरकमस्टांसेस, रिसेशन, बूम से रिसेशन में आ गए। ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन, नए डिस्क्लोजर्स आए, हमको पता है नए डिस्क्लोजर है, नोट्स टू अकाउंट पे उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एमेलगमेशन है, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लोअर मटेरिटी रख सकते हैं उसके लिए, रिस्क बढ़ गई, लोअर मटेरिटी रख सकते हैं उसके लिए। करेक्ट, इफेक्ट ऑफ रिविजन, जैसे हम रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे तो हमने सोचना चाहिए कि परफॉर्मेंस मटेरिटी को बदलने की जरूरत है क्या। परफॉर्मेंस मटेरिटी डिस्कस नहीं कर रहे अभी यहां पे हम लोग, वी आर नॉट डिस्कसिंग, क्योंकि परफॉर्मेंस मटेरिटी पे क्वेश्चन नहीं है। रिवीजन होगा तो हमने सोचना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरिटी बदलना क्या, एरिया लेवल मटेरिटी बदलना क्या, परफॉर्मेंस मटेरिटी बदलना क्या, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बदलने की जरूरत है क्या। तो समझा रहे कब कब रिवाइज करना पड़ता है मटेरिटी, और मटेरिटी बदलोगे बदलोगे आप तो परफॉर्मेंस मटेरिटी, एरिया लेवल मटेरिटी ये बदलना क्या, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस बदलना क्या, ये भी सोचना पड़ता है। तो रिवीजन ऑफ मटेरिटी इज कॉमन, एक बार तय कर लिया उसी को फॉलो, ऐसा करो ऐसा नहीं है, चीजें अगर बदलेगी तो उसके हिसाब से मटेरिटी लेवल भी हम लोग बदलते हैं। पेज नंबर 234 पे आइए, 330.05, एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कितनी ज्यादा मेहनत करना, एक्सटेंट एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कितनी ज्यादा मेहनत करना, कितनी ज्यादा मेहनत करना चाहिए हम लोगों ने, टेस्ट कौन से कंट्रोल को बहुत ज्यादा चेक करना चाहिए, कौन से इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, फ्लर्ट करके वहां पे, ठीक है, शॉर्टकट है तो कौन से बंदे को कितना कंट्रोल करना चाहिए, कितनी ठुकाई करनी चाहिए उसकी, उस पर डिपेंड करता है कितना बड़ा फ्लर्ट है ये। बराबर, देख बहुत ही बेकार सा शॉर्टकट है, फ्रीक्वेंसी, जो कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसको ज्यादा बार लगाया जाता है उसको डेफिनेटली चेक भी ज्यादा करेंगे। मतलब हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन सपोज हर हफ्ते करते हैं, मतलब साल भर में 52 टाइम्स, साल भर में 52 टाइम्स फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, 52 टाइम उसकी फ्रीक्वेंस, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो डेफिनेटली उसको ज्यादा चेक करना पड़ेगा एज कंपेयर टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, साल में एक बार होता है, उसको कम चेक करना पड़ेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, ठीक है, मतलब वो कितने समय के लिए एक्टिव था,
ये सॉफ्टवेयर अगर जैन फेब मार्च 3 महीने के लिए एक्टिव था, करेक्ट, ओल्ड सॉफ्टवेयर 9 महीने के लिए एक्टिव था, न्यू सॉफ्टवेयर 3 महीने के लिए एक्टिव था। एग्जाम्पल, जो जितना ज्यादा समय के लिए एक्टिव था उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड इट इज कवरिंग। ओल्ड सॉफ्टवेयर 9 महीने ज्यादा चेक करना पड़ेगा, न्यू सॉफ्टवेयर 3 मंथ्स कंपेरेटिवली कम चेक करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, कभी कभी एक ही गलती को रोकने के लिए मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं, हमने देखना चाहिए कि साल भर में कितने समय के लिए एक्टिव थे। जितने ज्यादा समय के लिए एक्टिव रहेंगे उतनी ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। फ्लड, एफ फॉर फ्रीक्वेंस, ठीक है, देन ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल। डेविएशन, इंटरनल कंट्रोल्स में गलती निकलना, सिस्टम फॉलो नहीं किया जाना। जब सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, जब सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता तो उसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। क्या चाह एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, हिस्टोरिकल डेटा देखकर और अभी के सर्कमस्टांसेस को देखकर क्या लगता है, व्हाट इज की डेविएशन, ठीक है, कंट्रोल फेल होने के चांसेस कितने हैं, कंट्रोल बराबर काम नहीं करेंगे इसके चांस कितने हैं। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई है, कंट्रोल फेल होने के चांसेस है, अरे भाई साहब, कंट्रोल फेल होने के वो चांसेस है, तो भरोसा करने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लो। हम लोग एक टीम बना रहे हैं कमांडोस की, एक कमांडो वीक है, उसके फेल होने के चांस है, इससे पहले कि उसको रिक्रूट करे टीम में ले, उसको अच्छे से हमने चेक कर लेना चाहिए, इससे पहले कि भरोसा करे ऐसे गलत कंट्रोल्स पे, अच्छे से चेक कर लो। फ्लर्ट आस्क एंड फॉर रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अरे जो रिस्क थी ना, बराबर वो रिस्क के लिए रेलेवेंट एविडेंस दे रहा है। रिस्क क्या थी, डबल पेमेंट्स ऑफ द परचेस इनवॉइस। हमको हमेशा डर है ऐसे फ्रॉड का कि एक ही इनवॉइस का दो बार पेमेंट तो नहीं हो रहा, दो बार पेमेंट तो नहीं किया जा रहा। तो सिस्टम, नया सिस्टम है उसमें, ठीक है, जब भी परचेस बुक करो तो परचेस इनवॉइस नंबर लिखना पड़ता है। अगर परचेस इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा, अगर इनवॉइस नंबर डबल हुआ तो सिस्टम अपने आप पकड़ लेगा कि अरे डबल पेमेंट हो रहा है। क्या सिस्टम है परफेक्ट, जो एग्जैक्टली जो गलती हम चाहते थे उसको, गलती को पकड़ता है। अगर हमको एग्जैक्ट रिलेवेंट रिलायबल एविडेंस मिलेगा तो डेफिनेटली उसको ज्यादा चेक करेंगे। टी स्टैंड फॉर टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स। एक ही चीज को चेक करने के लिए अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, बाकी टेस्ट फेल हो रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ठीक है, तो ज्यादा चेकिंग करनी पड़ सकती है। फ्लड, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, जो कंट्रोल को ज्यादा फ्रीक्वेंटली लगाएंगे उसको उतना ज्यादा चेक करेंगे। एल स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, जो जितना ज्यादा समय के लिए एक्टिव रहेगा उसको उतना ज्यादा चेक करेंगे। ई स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अगर फेल होने के चांसेस ज्यादा है तो भरोसा करने से पहले अच्छे चेक करना पड़ेगा। रिलेवेंस, एकदम परफेक्ट एविडेंस दे रहा है, परफेक्ट एविडेंस दे रहा है, ठीक है, रिलेवेंट एविडेंस दे रहा है तो उसको चेक ज्यादा करेंगे। टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल, बाकी फेल हो गए, हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट ऑफ कंट्रोल। लेट्स सी नाउ, क्या है ये आपका, ठीक है, उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। और एक आप आपको बात बता दूं, ये तो कर लेंगे, इस बार जो आरटीपी है, मैं आरटीपी रिकॉर्ड करके सोच रहा हूँ, यूट्यूब ऐप के ऊपर या कहीं पर भी आरटीपी जरूर से डालूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए मेरे साथ साथ में, और आरटीपी भी करिएगा इस बार के आरटीपी में, और बहुत सारे नए नए क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स सी क्या लिखा है। While obtaining audit evidence about the effective operation of internal control, the auditor should consider how they are applied, the consistency with which they are applied during the period of audit, and by whom they are applied. Focus किस चीज पे, क्या चेक करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते वक्त, हमारा फोकस, ठीक है, कौन सी चीजों पे सिंपल सा फोकस है, फोकस है, ठीक है, कौन अप्लाई कर रहा है, सिस्टम्स अप्लाई कर रहा है, मैनुअल ह्यूमन बींग अप्लाई कर रहा है सिस्टम, बाय हुम दे आर अप्लाइड, ठीक है, हाउ दे आर अप्लाइड, क्या साइन करके, ह्यूमन बींग साइन करके अप्लाई कर रहे हैं, स्टैम्प, सिस्टम को अप्लाई कैसे कर रहे हैं, साइन करके अप्रूवल दे रहे हैं, स्टैम्प देकर अप्रूवल कर रहे हैं, ओरल इंस्ट्रक्शन देके अप्रूवल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन रिजेक्ट करके कर रहे हैं, अप्रूव करके कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से, जब टेस्ट ऑफ कर रहे हैं बाय हुम, कौन लगा रहा है, बाय व्हाट मीन्स, किस तरीके से लगाया जा रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंटली हर ट्रांजेक्शन पे सिस्टम को लगा रहे ना, और साल भर चल रहा है ना, ड्यूरिंग द पीरियड, ये चीजों पे फोकस रहता है, कौन लगा रहा है कंट्रोल, कौन
कंट्रोल ऑटोमेटेड है, मैनुअल है, कैसे उसको लगाया जा रहा है, हर ट्रांजैक्शन पे लगाया जा रहा है ना, साल भर लगाया जा रहा है ना, इन चीजों पे हमारा फोकस रहता है। ठीक है, डेविएशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइजेस दैट सम डेविएशंस मे हैव ऑकर्ड, डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब कंट्रोल में कॉज बाय सच फैक्टर्स सच एज चेंज इन की मैनेज की पर्सन, सिग्निफिकेंट सीजनल फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ह्यूमन एरर। डेविएशन जब सिस्टम फेलियर होता है, जब सिस्टम काम नहीं करता उसको डेविएशन, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है, लोग बदलने की वजह से ऐसा होता है, सीजनल फ्लक्चुएशन, ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं कम बढ़ जाते हैं उसकी वजह से होता है, ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन एरर्स की वजह से होता है, डेविएशन तो होता ही है, थोड़े बहुत डेविएशन तो होते हैं, डेविएशन एकदम ही नहीं होना चिंता की बात है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या फोकस होता है, जब गलती मिलती है उसको डेविएशन बोलते हैं, छोटी मोटी गलतियां चलती है दैट इज फाइन, गलतियां तो होती रहती है, लोगों के बदलने से, लोगों के पर्सन, लोगों के बदलने से होता है, फ्रीजन फ्लक्चुएशन वॉल्यूम की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर गलतियां मिलती है, गलतियां मिलती है तो स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ती है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों गलती हुई, क्यों गलती हुई, बोले स्टाफ बदला था, अच्छा स्टाफ बदला था, टाइमिंग ऑफ स्टाफ बदला था, तो कितना, कुछ समय के लिए स्टाफ था ही नहीं, बोले 2 महीने के लिए स्टाफ नहीं था, स्टाफ चेंज हुआ, पुराना स्टाफ गया, नए स्टाफ आने को 2 महीने लग गए, इसीलिए तो वो 2 महीने की ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। डेविएशंस मिलते हैं, होना स्वाभाविक है, थोड़े बहुत डेविएशन रहते ही है, और डेविएशन से हमको समझ में आता है कोई एडिशनल टेस्टिंग करनी है क्या। इंपैक्ट ऑन प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर शुड इवैल्यूएट वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर डिजाइन एंड ऑपरेटिंग एज कंटेम्प्लेटेड इन प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। इनिशियली इनिशियली रिस्क असेसमेंट करते वक्त हम लोग सोचते हैं, रिस्क असेसमेंट हम लोग करते वक्त सोचते हैं कि ये कंट्रोल्स कैसे होंगे, कंट्रोल रिस्क निकालते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी, इनिशियली जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कंट्रोल्स कंट्रोल्स बराबर काम करें कि नहीं करें, कंट्रोल रिस्क निकालते हैं हम लोग। आरएमएम निकालते वक्त हम लोग प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स कंट्रोल्स करते हैं कि कंट्रोल्स बराबर चलेंगे नहीं चलेंगे, कंट्रोल रिस्क कैसे होगी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके, ठीक है उसको प्रिलिमिनरी असेसमेंट बोलते हैं। देखो हम पढ़कर आए, पहले रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट होने के बाद में फिर असर्शन लेवल रिस्क मिलती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होता है। रिस्क असेसमेंट करते वक्त ही हम सोच लेते, हम लोग कंट्रोल रिस्क निकालते हैं, कंट्रोल रिस्क निकालते प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते कि कंट्रोल रिस्क कैसे लग रहे हैं। द इवैल्यूएशन ऑफ डेविएशन में रिजल्ट इन ऑडिटर कंक्लूडिंग द असेस्ड लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क नीड टू बी रिवाइज्ड। हो सकता है कि वो नहीं, हम कंट्रोल रिस्क को लो समझ रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि उसको मीडियम कर देना चाहिए, हाई कर देना चाहिए। इन सच केस द ऑडिटर वुड मॉडिफाई द नेचर टाइम एक्सटेंड ऑफ प्लान सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, हम रिस्क असेसमेंट करते हैं उसमें हम सोच लेते हैं कंट्रोल रिस्क कैसी होगी उसके, और आगे की भी प्लानिंग कर लेते हैं, अगर वैसे ही हुआ तो पूरी प्लानिंग सेट है, अगर वैसा नहीं हुआ, ठीक है अगर वैसा नहीं हुआ, हमको लगता है कि कंट्रोल रिस्क बढ़ानी पड़ेगी तो आगे की प्रोसेस भी चेंज होगी। बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिटर द ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क इज कंफर्म। कंट्रोल रिस्क के बारे में श्योर करना चाहिए, इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम द ऑडिटर शुड मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी एंड देयर इम्प्लीकेशन। चीजें फाइनलाइज करने से पहले हमने कंट्रोल रिस्क कंफर्म कर लेनी चाहिए। ठीक है, वेयर ऑन बेस ऑफ सच इंक्वायरीज द ऑडिटर कंक्लूड द डेविएशंस आर सच दैट प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल इज नॉट सपोर्टेड, ही वुड अमेंड द सेम अनलेस द एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सपोर्ट। अगर लगता है कि ठीक है, चेकिंग करने के बाद नहीं, कंट्रोल रिस्क हम लोग लो समझे थे, वैसे लो नहीं है, बहुत गलतियां लग रही है, ठीक है तो हम लोगों ने कंट्रोल रिस्क को हाई कर देना चाहिए। वेयर द कंट्रोल असेस द नीड टू बी रिवाइज्ड ही शुड मॉडिफाई नेचर टाइमिंग असेस ऑफ द, ये रिपीट हो रहा है ये पॉइंट। प्रोसीजर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंटरनल शुड बी टेस्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड एग्जामिनेशन। पहले सिर्फ सिस्टम चेक करना, सिस्टम क्या क्या बनाया उसको बोलते प्रोसीजर देखना, फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में बराबर इंप्लीमेंट हो रहा है ना उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन डेप्थ। सिंपली टेस्टिंग कंप्लायंस विद प्रोसीजर लेड डाउन बाय द मैनेजमेंट रिस्पेक्ट ऑफ इनिशिएशन थ्रू विच इज फ्लोज, बस प्रोसीजर टेस्ट मतलब
ऐसे ही बैठ करके ये सिस्टम, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, सिर्फ सिस्टम बराबर बनाए के उस देख लेना, और एक्चुअल मैदान में उतर के चीजों को चेक करना, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन डेप्थ। ध्यान देंगे सब इस पर, हम लोगों ने समय दिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का फोकस होता है कौन कंट्रोल लगा रहा है, कैसे लगा, कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, कंसिस्टेंट लग रहा है, साल भर लगा रहा है क्या, उसको टेस्ट ऑफ, हम लोग उसको टेस्ट, उसका हमारा फोकस है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। डेविएशन, गलतियां, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो गलतियां निकलती है उसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। समझा रहे वो, डेविएशन थोड़े बहुत होने चाहिए, डेविएशन चलते हैं, क्यों होते हैं डेविएशन, कैसे होते हैं डेविएशन। रिस्क असेसमेंट करते वक्त हम लोग प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं कंट्रोल रिस्क का। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद समझ में आता है कि वो असेसमेंट को कंटिन्यू करना कि नहीं करना, कंट्रोल रिस्क उतनी कंटिन्यू करना कि चेंज करना। अगर उतनी करेंगे तो बहुत बढ़िया, चेंज करेंगे तो कंट्रोल रिस्क चेंज करेंगे, आरएमएम चेंज हो जाएगा, आरएमएम चेंज हो जाएगा तो ऑडिट प्रोसीजर्स उस एरिया की चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये थ्योरी जो है ना थोड़ी सी अलग है, ये ऐसे बेस्ड थ्योरी नहीं है, चैप्टर बेस्ड थ्योरी थी। तो इसमें पहले उन्होंने बोला कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क होता है, फिर चेकिंग करने बाद फाइनल असेसमेंट होता है, स्पेसिफिक इंक्वायरीज। ध्यान देंगे, स्पेसिफिक इंक्वायरीज ये क्या होता है, जब हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं, जब हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं, व्हेन वी गो फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है, जब हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं तो उसमें हमको गलतियां मिलती है, डेविएशंस। गलतियां मिलती है तो हमने क्या सोचना, गलतियां मिलती है तो हमने क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले जो हमको गलतियां मिल रही है, डेविएशंस मिल रहे हैं, इज इट प्रोवाइडिंग रीजनेबल बेसिस, अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑफ कंट्रोल्स। अप्रोप्रिएट बेसिस मतलब क्या, सुनिए, ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने सैम्पल, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, सैम्पलिंग करके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमने किया, उसमें हम लोगों ने सैम्पलिंग यूज की, सैम्पलिंग को यूज कर सकते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज कर सकते हैं, और हमने देखा 8% इज रेट ऑफ डेविएशन, 8% टाइम कंट्रोल फेल होता है, और जो एक टॉलरेबल रेट होता है, एक्सेप्टेबल रेट, एक एक्सेप्टेबल रेट होता है उसको बोलते हैं टॉलरेबल रेट, वो 10% है। ठीक है, वो 10% है, अगर रेट उससे कम है तो हम पूरे रेट, अच्छा खासा कम है, 4-5% ही है, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से, रीजनेबल बेसिस से बोल सकते हैं यस कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। अगर एकदम बहुत ज्यादा है, 15-20%, तो हम वापस बोल सकते हैं कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव। लेकिन 10% से बहुत ही क्लोज हो गया, 9.5-10, तो रिजल्ट्स में हमको क्लैरिटी नहीं मिलती, कंट्रोल्स को अच्छा मानो कि बुरा मानो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम बोलते हैं यार ये जो रिजल्ट्स है ना बहुत ही क्लोज है टॉलरेबल लिमिट से, इससे हमको कॉन्फिडेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे, रीजनेबल बेसिस नहीं मिल रहे। बहुत सिंपल, ठीक है, कंट्रोल्स को चेक करने के बाद गलतियां मिलती है उसको डेविएशंस बोलते हैं, रेट ऑफ डेविएशंस निकलते हैं, उसको मैक्सिमम अलाउड रेट से मैच करना पड़ता है, अगर उससे बहुत कम या नीचे है तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कंट्रोल्स अच्छे हैं कि बुरे हैं, लेकिन उससे बहुत क्लोज है, अगर बहुत क्लोज है तो फिर हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज नॉट प्रोवाइडिंग रीजनेबल बेसिस, हमको क्लियर कट आइडिया नहीं दे रहा है। फिर गलतियों से हमको ये भी समझ में आता है, एडिशनल टेस्ट हम डिस्कस करके आए, गलतियां मिली हमको, हमने पूछी गलती क्यों हुई, बोले 2 महीने के लिए स्टाफ ही नहीं था, अच्छा ये 2 महीने के ट्रांजेक्शन और चेक करने पड़ेंगे। डेविएशन से हमको ये भी समझ में आता है, ये भी हमको समझ में आता है कि कहाँ पे मेहनत हमको ज्यादा करनी पड़ेगी, तो डेविएशन हमको मिलेंगे तो देखिए इज इट प्रोवाइडिंग रीजनेबल बेसिस। ठीक है, क्या रीजनेबल बेसिस टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर आप करेंगे तो आपको डेविएशन मिलेंगे, डेविएशन अगर आपको मिलेंगे तो आप, आपको देखना है कि रेट ऑफ डेविएशन और जो टॉलरेबल लिमिट है, इज इट, क्या कॉन्फिडेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंटली हम बोल पा रहे हैं क्या कि कंट्रोल्स अच्छे हैं कि बुरे, आर वी गेटिंग कॉन्फिडेंट रिजल्ट, उसको बोलते हैं रीजनेबल बेसिस मिलना। फिर एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा क्या, और ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे, जिस जो हम सिर्फ सिस्टम के सब्सटेंटिव प्रोसेस के तरीके से, भाई ये कुछ एरियाज है जहां पे सिस्टम वीक है, जहां पे हमको सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। 330 भी साहब हमारा खत्म हुआ, वी आर थ्रू विथ 300 सीरीज, बधाई हो, 200 सीरीज हमारी खत्म हुई, 200 सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है।
ठीक है, 200 सीरीज खत्म हो गई और 300 सीरीज भी खत्म हो गई। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा फास्ट जाना ही पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चंस अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ जितनी आपकी पढ़ाई हो चुकी उतनी करो, ये क्वेश्चंस कर लो, इतने क्वेश्चंस को आप जोड़ लो, इतने क्वेश्चंस को जोड़ लो, इतने ही क्वेश्चन, पूरी मत भी करो भी, इतने ही क्वेश्चंस जोड़ लो, इतने क्वेश्चंस को आप रिवाइज करो। ठीक है, अभी हमारा क्लास खत्म होने में और 20 मिनट है, 20 मिनट्स, 20 मिनट है, और 20 मिनट में बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स। कल का क्लास का टाइमिंग बदल देंगे, चलो आपको थोड़ा खुश कर देते हैं। कल का क्लास का टाइमिंग, ठीक है, क्लास का टाइमिंग हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, 7:30 बजे हम लोगों ने शुरू किया था, 7:30 बजे हम लोगों ने शुरू किया था, तो 11 बजे हमने खत्म किया था। ठीक है, कल हम लोग लेट शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लेट शुरू करेंगे, विल स्टार्ट एट, चलो आपको भी थोड़ा खुश करते हैं, आपकी बात मनोबल को और थोड़ा बढ़ाते हैं। कल हम लोग शुरुआत करेंगे, टुमारो वी विल स्टार्ट एट से, आप लोग टाइम बताइए, आप लोग टाइम बताइए, 8 बजे शुरू करें कि 8:30 बजे शुरू करे, मैं 8 सोच रहा हूं। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल से ऐसे 500 का हम लोग देखते हैं, आखिरी में बताऊंगा, मैं आखिरी में बताऊंगा कि कल क्लास के टाइमिंग क्या रहेंगे, व्हाट विल बी क्लास टाइमिंग। ठीक है, लेट्स सी, ऐसे 500, करेक्ट, ऐसे 500, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट एविडेंस, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके मदद से हम लोग ओपिनियन ड्रॉ कर सके, ओपिनियन ड्रॉ करने में हमको मदद मिलती है, कंक्लूजन ड्रॉ करने में मदद मिलती है, जिसकी मदद से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, ओपिनियन बना सके फाइनेंशियल आइटम्स के ऊपर, फाइनेंशियल डेटा के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उसको हम लोग एविडेंस बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज, अग्रीमेंट देख के लगता है कि रेंट बराबर है, वो एविडेंस है, फैक्ट्री देख के लगता है कि एसेट्स बराबर है, वो एविडेंस है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी मदद से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ओपिनियन ड्रॉ करते हैं, उसको हम ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। ऑडिट एविडेंस में दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन। क्या होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब ऐसे सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो बनाए जाते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग एंट्री पास करने के पहले डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनती है, स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेशन होते हैं, वो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, पहले रिकॉर्ड्स कैलकुलेशंस किए थे, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, वाउचर बनते हैं, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, प्राइमरी बुक्स में एंट्री है, दैट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, लेजर में पोस्टिंग होती है, दैट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ट्रायल बैलेंस बनता है, दैट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, दैट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। व्हाट इज अदर इंफॉर्मेशन? ठीक है, ऑडिट एविडेंस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अलावा अदर इंफॉर्मेशन, कंपनी बनते तो लीगल डॉक्यूमेंट्स, एओए बनता, एमओए बनता है, एओए बनता है, ठीक है, अग्रीमेंट्स बनते हैं लीगल, ये अदर इंफॉर्मेशन में आता है, फिर एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में आता है, प्लांट बनता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन डिटेल्स, वो अदर इंफॉर्मेशन में आता है। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ अदर इंफॉर्मेशन में आता है, करेक्ट। दोनों तरह के एविडेंस हम लोग लेते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, और बहुत जरूरी है ऑडिट एविडेंस, इन डेप्थ, अच्छे से, इन डेप्थ केयरफुली,
आखिरी के दो पैराग्राफ में इतना समझाया, केयरफुली परफॉर्म ऑडिट, ऑडिट में सारे छानबीन सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद में खुद कॉन्फिडेंट, पहले खुद को खुद कॉन्फिडेंट बनना पड़ता है ओपिनियन को लेकर, फिर ओपिनियन देना, पहले खुद कॉन्फिडेंट, यू नीड टू ऑब्टेन अश्योरेंस, ऑब्टेन कॉन्फिडेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद है क्या, फिर जाके ओपिनियन देना पड़ता है। तो बोले एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केयरफुली कलेक्ट करके एग्जामिन करके भरोसा हम लोगों ने करना चाहिए, अगर उसमें निग्लिजेंट होंगे तो फिर हमको पनिशमेंट मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट इज ऑडिट। अब ये नवंबर 19 के आरटीपी में, नवंबर 19 की आरटीपी में ऑडिट टेन थर्टी को रोक देना ऐसा नहीं होने वाला, 10:30 को हम नहीं रोक सकते मुझे, ठीक है, जो 15 मिनट की बात है तो 15 मिनट तो मैं जाऊंगा ही, चिंता मत करिए। कलर हाइलाइटर्स कुछ इंडिकेट करते हैं क्या? नहीं, कलर हाइलाइटर्स मैंने सिर्फ अलग अलग रखे हैं अभी, कलर्स का कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तेज जा रहे हैं, तेज जाना ही पड़ेगा, हमारे पास में और टाइम नहीं है, इट इज अ 15 आवर शेड्यूल में उतना ही है, 15 आवर है, 15 आवर के बेसिस पे ही हम लोग चलने वाले हैं, 15 आवर के ऊपर हम लोग जाने नहीं वाले दोस्तों, तो हमको उसके अंदर ही देखना है, ये स्पीड में चलना ही पड़ेगा। इट इज परम बैच ओनली, इट इज ओनली एंड ओनली, ठीक है, इट इज ओनली 15 आवर बैच, तो इससे आगे हम जाने नहीं वाले हैं साहब, तो ठीक है। नाउ लेट्स सी ऑडिट एविडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे शॉर्टकट दिया है, सी ऑडिट एविडेंस फॉर ओपिनियन ऑन पनामा। पनामा बहुत बड़ा स्कैम था इंटरनेशनल लेवल का, सी सी है वहां पे शॉर्टकट सी, ठीक है। अच्छा मैंने नोट्स का वर्जन, ये अगर आपके इसमें कुछ चीजें नहीं दिख रही है तो मैंने इसका वर्जन टू भी, वर्जन टू मैं अपडेट करता रहता हूं, तो वर्जन टू भी मैंने अपलोड किया था, वो आप बाद में डाउनलोड कर लेना। सी ऑडिट एविडेंस फॉर ओपिनियन ऑन पनामा, हमने ऑडिट एविडेंस को देखना चाहिए टू फ्रेम ओपिनियन फॉर ओपिनियन ऑन पनामा। पनामा पेपर्स करके बहुत ही फेमस, बहुत ही जगह पे बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कैम था ब्लैक मनी का। लेट्स सी वन बाय वन। सी स्टैंड फॉर, ये बहुत ही सिंपल बहुत आसान सा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, बहुत ही आसान है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। सी सी फॉर कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट। एविडेंस दो तरह के हो सकते हैं, एविडेंस ऐसे हो सकते हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं मैनेजमेंट असर्शन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर के डेटा, एविडेंस दो तरह के हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा को मैच करे, कोराबरेट करे, सपोर्ट करे, या फिर ऐसे जो कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो पहला सी इज फॉर एविडेंस, दो तरह के कोराबरेटिव एविडेंस भी हो सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर वन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स, हम लोग पढ़ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। सी पनामा, सी ऑडिट एविडेंस फॉर ओपिनियन ऑन पनामा, सी हो गया। ऑडिट एविडेंस एक दो बार है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हमको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना पड़ता है,
ऑडिट प्रोसीजर लगा लगा कर हमको एविडेंस मिलता रहता है, वी कीप गेटिंग क्यूमुलेटिव ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर लगा लगा कर, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके, लगा लगा कर हमको क्यूमुलेटिव ऑडिट एविडेंस मिलता रहता है ऑडिट प्रोसीजर लगाकर। कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस रहता है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, ठीक है, फैक्ट्री देखने गए, ऑब्जर्वेशन, इट इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, अंदर जाके फाइल निकाली, इंस्पेक्शन, इट इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, पूछताछ की, इंक्वायरी, इट इज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस, कैलकुलेटर या रिकम्प्यूटेशन, इट इज मेथड ऑफ कैलकुल ऑप्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, कंप्यूटर पर बैठ के फिर से एंट्री पास की, रीपरफॉर्मेंस, ये एक मेथड होता है, ग्राफ बनाया कंप्यूटर पर बैठ के, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये एक तरीका होता है, ठीक है, टॉप कस्टमर से कंफर्मेशन मांगा, ये एक तरीका होता है, रूमर्स चल रहे थे, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन माना, ये एक तरीका। तो ऑडिट प्रोसीजर ऑप्टेन करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं टू कलेक्ट एविडेंस। सी ऑडिट एविडेंस, ई स्टैंड फॉर, ठीक है, ई स्टैंड फॉर इवैल्यूएटिंग ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर का बहुत सारा समय है ऑडिट एविडेंस सबूत लेना, उसको पढ़ना, समझना, एनालाइज करना, कंपेयर करना, सोचना उसके बारे में, इसमें सबसे ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है, 60-70% टाइम इसी में जाता है ऑडिट एविडेंस को स्टडी करने में, ठीक है। सी ऑडिट एविडेंस फॉर ओपिनियन, ओ स्टैंड फॉर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में हमको बताना है, रीजनेबल, हमको रीजनेबल अश्योरेंस ऑप्टेन करना है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑप्टेन करना है, और फिर हमको ओपिनियन देना है, रिपोर्ट देना है। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब क्या, जब हम ऑडिट रिस्क को बहुत कम कर दें, एक्सेप्ट बहुत कम कर दें, एक्सेप्टेबल लेवल पर लेके आए, उसको बोलते हैं हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। वो कब मिल सकता है, जब सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो, रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस मिल सकता है जब हम लोग, ठीक है, सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेकर आए, ऐसा हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है। देन पनामा, पी स्टैंड फॉर, क्या प्रीवियस ईयर का एविडेंस यूज कर सकते हैं, आंसर इज यस। ए स्टैंड फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इनसाइड आउटसाइड अदर इंफॉर्मेशन सब कुछ आ सकता है उसके अंदर। देन एन स्टैंड फॉर पनामा, इज इट नेसेसरी, यस, ऑडिट एविडेंस के बिना ऑडिट हो ही नहीं सकता, इट इज नेसेसरी टू सपोर्ट कंक्लूजन ऑफ द ऑडिटर। देन ए स्टैंड फॉर अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या चीजें गायब रहना अपने आप में एविडेंस है, यस करेक्ट, अब्सेंस, डॉक्यूमेंट्स, चीजें अगर अब्सेंट नहीं है वो अपने आप में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हमको देती है, अगर हमको दिख रहा है कोई वाउचर फटा हुआ है वो अपने आप में हमको एविडेंस देता है, किसी ने जानबूझकर फाड़ा है, ये जानबूझकर फाड़ा है, इससे हमको फ्रॉड की जानकारी मिलती है, चीजों का अब्सेंट रहना अपने आप में एक इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो देखो ये बहुत सारी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है। सी स्टैंड फॉर एविडेंस कोराबरेटिव कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकते हैं, ए स्टैंड फॉर ऑडिट प्रोसीजर को लगाने से मिलते, कई तरह के अलग अलग प्रोसीजर्स मैंने गिनवाई, एविडेंस इवेल्युएशन में काफी समय जाता है, ओ फॉर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी लिखा है, अगर रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए तो सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लगेगा, पी में, पी पिछले साल का एविडेंस यूज कर सकते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ अदर इंफॉर्मेशन आता है, एंड इट इज डेफिनेटली नेसेसरी, करेक्ट, डेफिनेटली इट इज नेसेसरी, अब्सेंस, फिर आपका एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये रह गया था मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और ये ए पनामा के ए में कवर हो जाएगा, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी एविडेंस में हम लोग लेते, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी लेते हैं, एंड सो ऑन। चलिए, आई अंडरस्टैंड, लंबा चौड़ा था कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सी ऑडिट एविडेंस फॉर ओपिनियन ऑन पनामा।
फैक्टर्स अफेक्टिंग लास्ट, ठीक है 7-8 मिनट गाइस, 7-8 मिनट है आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे पास में ठीक है इट्स ओनली अ 15 आवर बैच, ये सिर्फ 15 घंटे की बैच है, इट इज नॉट, उतना ही टाइम अलोकेटेड है और उतना ही टाइम हमारे पास है भी, उससे ऐसा हमें हम दे नहीं पाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशियंसी, ठीक है हम बोलते हैं एविडेंस कैसा होना चाहिए, एविडेंस सफिशियंट भी होना चाहिए, एविडेंस सफिशियंट भी होना चाहिए, इट शुड बी सफिशियंट एंड इट शुड बी अप्रोप्रिएट, सफिशियंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशियंट मीन्स क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटी, क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी, क्वालिटी मतलब रिलायबल, रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। ठीक है तो सबसे पहले तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन से डिप्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है सफिशियंसी ऑफ, सफिशियंसी किस पे डिपेंड करता है, सफिशियंसी ऑफ द एविडेंस कौन से फैक्टर्स पे। उसके पहले व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है ध्यान देंगे, मैंने ऐसे ही एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट करके लिखा भी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके 50 ब्रांचेस है, 50 ब्रांचेस है और उन्होंने 10,000 लोन बांटे हुए, 10,000 लोन्स, 10,000 लोन उन लोगों ने बांटे हुए, मैनेजमेंट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ 500 लोन्स, 500 लोन हम सिलेक्ट करेंगे, 500 लोन हम सिलेक्ट करेंगे, 500 लोन हम सिलेक्ट करेंगे और मैनेजमेंट सबके जेरोक्स सर्टिफाई करके साइन स्टैम्प लाकर हमको देगा, अच्छी बात है। अगर मैनेजमेंट हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पहला सिचुएशन, पहला सिचुएशन कि हमको वो ठीक है ऐसे देगा, अगर वो हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने को तैयार है, मैनेजर साथ में आके हर ब्रांच का मैनेजर एक्सप्लेन भी करेगा, मतलब अब एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बता रहा है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस बढ़ गया। पहले वो बोल रहे थे कि हम आपको लोन्स के सर्टिफाइड कॉपीज दे देंगे, ठीक है जैसे ही उन्होंने बोला कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे, मैनेजर खुद आके एक्सप्लेन करेगा, क्वालिटी ऑफ एविडेंस इंप्रूव हो गया। अगर क्वालिटी ऑफ एविडेंस इंप्रूव हो जाएगा तो हम क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, बस 300 ही लोन चेक करेंगे, डन। क्वालिटी इंप्रूव करो, रिलायबिलिटी इंप्रूव करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो, मैनेजमेंट खुद आके अब बताए अगर रिलायबल ऑडिट एविडेंस है साहब, ठीक है अगर आप रिलायबल ऑडिट एविडेंस देंगे, जितनी आप क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, जितना आप क्वालिटी को इंप्रूव, जितना आप क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जितना आप क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, ठीक है क्वांटिटी उतना हम कम कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द क्वांटिटी, लेकिन अपोजिट नहीं होगा। वो बोलेगा एक काम करता हूं, सिर्फ जेरोक्स बिना सर्टिफिकेशन के 1,000 लोन के तुमको देता हूं, चलेगा क्या? अरे नहीं चलेगा, क्या करूं सिर्फ जेरोक्स का, किसको मालूम ये सही है कि नहीं है। तो क्वालिटी, इंक्रीज इन क्वालिटी, अगर क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, इफ यू इंप्रूव क्वालिटी तो क्वांटिटी कम हो सकती है, अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करोगे, अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो क्वांटिटी को कम कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाकर क्वालिटी कम, ऐसा नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट हैपन, दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, एमआरपी, मटेरियलिटी, मटेरियलिटी एमआरपी, तीन चीजें, मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है, जो चीज जितनी ज्यादा मटेरियल है, जो चीज जितनी ज्यादा मटेरियल है, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज जितनी ज्यादा, जितनी जो चीज जितनी ज्यादा मटेरियल है, जितनी ज्यादा मटेरियल, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है उसके लिए उतना ज्यादा, उतनी क्वांटिटी, उतना एविडेंस ज्यादा लगता है, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आरएमएम अभी हम पढ़ के आए, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को कंबाइन करते हैं, आरएमएम, जितनी ज्यादा रिस्क, जिस एरिया में जितनी ज्यादा रिस्क लगेगी उतना वापस डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एमआरपी, पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अगर बहुत छोटी है तो कम एविडेंस लगता है, जैसी पॉपुलेशन ग्रो करती है, ग्रो करती है तो ज्यादा एविडेंस लगेगा, एकदम छोटी पॉपुलेशन है छोटा एविडेंस, पॉपुलेशन एकदम से ग्रो करती है, स्मॉल पॉपुलेशन से लार्ज पॉपुलेशन बन जाती है तो एविडेंस ज्यादा लगता है।
होमोजेनियस अगर पॉपुलेशन है, एक जैसी है, तो एविडेंस कम लगता है। हेट्रोजेनियस है, अलग अलग तरह के आइटम्स है, तो एविडेंस ज्यादा लगता है। मर्टिलिटी ज्यादा, एविडेंस ज्यादा, रिस्क ज्यादा, एविडेंस ज्यादा, पॉपुलेशन बढ़ी, तो वापस अगर पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी ना साहब, तो वापस आपको पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो वापस आपको एविडेंस ज्यादा लगेगा। होमोजेनियस एक जैसे, कम एविडेंस, और अगर हेट्रोजेनियस है, ठीक है, तो ज्यादा एविडेंस लगेगा। यहाँ पे कल का टाइमिंग हम लोग तय कर लेते हैं। कुछ आप लोगों ने बोला क्या कल के टाइमिंग के बारे में, मैं देख लेता हूँ क्या कुछ आप लोगों ने बोला है। तो मैंने आपको बोल दिया 1-2 दिन ज्यादा नहीं भाई, 15 घंटे है, 15 घंटे का ही जब रहने वाला है, पूरे शेड्यूल फिक्स्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से ही हमको चलना है, उसमें ही हमको निपटाना है। 15 घंटे में जितना, 15 घंटे में जितना निपटेगा उतना निपटेगा, ज्यादा से ज्यादा निपटाने की हम लोगों को कोशिश करनी है। तो कल एक काम करते हैं, टुमारो लेट्स मीट एट 8 o'clock, 8 बजे, 8 बजे से रहेगा हमारा, तो 11:30 बजे तक चलेगा, 8 o'clock कल का टाइमिंग रहेगा, 8 o'clock, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और दो नोट्स डाउनलोड करना, वर्जन 2, मैंने क्लास नोट्स का वर्जन 2 डाला है, वो भी डाउनलोड कर लेना, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स डाले हैं 500 सीरीज के, 500 सीरीज, 500, 600, 700 सीरीज के, वो भी आप डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाले हुए हैं, तो प्लीज डाउनलोड दैट। गुड नाइट, अच्छे सोइए, अभी मत पढ़िए, ठीक है, अभी मत पढ़िए, कल हम पढ़ेंगे, कल फिर दिन भर आपके पास टाइम है, उसमें आप पढ़ लेना।